इस एरिया के जो आईपीएस है मैम, उनका मेरे को नाम नहीं पता, वो आई थी यहाँ पे अभी और उन्होंने इनको उठाया। इनके जो साधु महात्मा है, इनके डंडे भी पड़े तीन तीन चार चार, और इनसे उन्होंने सुलपा था इनके पास, भांग वगैरह थी। आप सभी को एक जानकारी और देनी है, और अभी भी नेट नहीं चल पा रहा है, देखो। हरे महादेव, नमस्ते दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल। मैं कर रहा हूँ भारत यात्रा, और मेरी भारत यात्रा को हो चुका 368वां दिन। मैं कंटिन्यू भारत यात्रा कर रहा हूँ, और पिछले 1 मई से आपको केदारनाथ की छोटी बड़ी सारी अपडेट यहाँ से और न्यूज दे रहा हूँ। तो मैं दर्शन करने के लिए लगा था कल लाइन पे, 6.5 घंटे लगा लाइन पे, 11:30 बजे से और 6:30 बजे तक, 6 से 6.5 घंटे वेट किया। बट मेरा नंबर कल ही आया था, जैसे मैं आया था वैसे ही कपाट बंद हो गया था। कल ही कपाट खुलेगा 10 मई को, और आज 11 बजे जैसे यहाँ पे आए थे हम, वैसे मंदिर बंद हो गया था। तो आज यहाँ पे हम लगे हुए हैं, 4 बजे के लगे हुए हैं लाइन पे, और अब जाके हमारा नंबर आ रहा है। अभी 8 बज रहे हैं, फाइनली हम दर्शन करने जा रहे हैं। ये सामने आप देख पा रहे होंगे, ये केदारनाथ बाबा जी का मंदिर है, और अब मेरी जो लाइन है सिर्फ इतना ही बचा है। तो अब फाइनली मैं दर्शन कर पाऊंगा भाई। देख लो, कल की मेहनत की बात है, मतलब 6.5 घंटे कल के और 3 घंटे आज के लगा लो आप, 3-4 घंटे बाबा की। ये देख सकते हैं, आगे देखो क्राउड कितना ज्यादा। बस एक चीज मांगी है, वो देख लेना। तो फाइनली मेरे दर्शन हो चुके हैं आज भाई। आज है 11 मई, और 11 मई को मेरे दर्शन हो रहे हैं। कल भी मैं लाइन पे लगा था पहले दिन जब कपाट खुले थे 10 मई को, और 10 मई को 6.5 घंटे वेट करने के बाद भी नहीं हो पाया, महादेव की मर्जी, बट आज हो गए। आज मैं 4 बजे लग गया था लाइन पे, और अभी 8 बजे मेरे दर्शन हो रहे हैं, अभी हो रहे हैं 8:30। मैंने अभी रिसेंटली हरिद्वार टू केदारनाथ ट्रिप स्टार्ट की थी, जिसका मेरे को आज 76 डेज है, यानी 76वां दिन मैं फाइनली केदारनाथ की जो मेरी यात्रा है वो कंप्लीट हो पाई, क्योंकि जिस दिन दर्शन होते हैं उसी दिन पूरी यात्रा कंप्लीट होती है। आज मेरी 76वां दिन पूरा दर्शन वगैरह कंप्लीट हो गया। बाकी आज का जो यहाँ पे क्राउड है, आज धूप लगी है, अच्छी धूप लगी है, और देख सकते हैं आप पूरा जो मंदिर है पूरा सच चुका है फूलों से, पूरा मंदिर का जो प्रांगण है देख सकते हैं पूरा भरा हुआ है भाई। बाकी मेरा भारत यात्रा का पूरा 1 साल हो चुका है, भारत यात्रा का 1 साल मेरे को 8 मई को हो चुका है, और मैं रेगुलर कंटिन्यू भारत यात्रा पे हूँ। और ये देख सकते हैं आप, ये मंदिर के आपको मैं आज 11 मई के सुबह के दर्शन करवा रहा हूँ। अभी हो रहे हैं 8:30, देख सकते हैं और मंदिर में भीड़ देखो, क्राउड ये नंदी जी दर्शन कर सकते हैं आप। चलो ये देख सकते हैं, ये है मंदिर, मंदिर के दर्शन आप कर सकते हैं। और कमेंट में हर हर महादेव से छाप देना पूरा कमेंट भाई। यहाँ पे नेट एक्चुअली आजकल चल नहीं रहा है, इस वजह से मैं वीडियो भी नहीं डाल पा रहा हूँ। आज 11 मई है, तो जो मेरी पुरानी वीडियो हो अब आएगी भाई इसके बाद, क्योंकि यहाँ पे कल जब यहाँ पे मंदिर का उद्घाटन था, ओपनिंग सेरेमनी थी, तो यहाँ पे जो चीफ मिनिस्टर थे उत्तराखंड के, तो वो आए थे यहाँ पे, तो उनके सिक्योरिटी की वजह से क्या पता जैमर लगे होंगे, और अभी भी नेट नहीं चल पा रहा है। देख सकते हैं अघोरी बाबा को, और या शायद क्राउड ज्यादा है यहाँ पे, इस वजह से नेट नहीं चल पा रहा। तो अभी मैं पहले आपको मंदिर की परिक्रमा करवाता हूँ। ये देख सकते हैं आप, इससे पहले में ही मैं आपको जब यहाँ पे मंदिर का कपाट नहीं खुले थे तब भी मैं आपको दर्शन करवाया था, उस टाइम यहाँ पे देखा होगा आपने कि पूरा मंदिर खाली था, और आप देखो कैसा लग रहा है मंदिर का व्यू। ये VIP लाइन है, ये देख सकते हैं आप, यहाँ से आप अगर VIP टिकट होता है, इनका पास होता है, अगर वो आप खरीदते हैं तो ही आप इस लाइन पे लग सकते हो। और ये यहाँ पे गौमुख से निकल रहा पानी, ये देख सकते हैं क्राउड, देख सकते हैं आप काफी ज्यादा क्राउड है। भीड़ में चला भी नहीं जाता भाई जल्दी भाई, टॉल गिरिया टॉल।
यहाँ से लेते हैं वीआईपी टिकट। और ये देख सकते हैं इधर पे साधु संत महात्मा बैठे हैं, यहाँ से टिकट लेते हैं वीआईपी की। और ये देख सकते हैं आप इधर पे सारे, जैसे आपने तिलक वगैरह लगाना होता है, आशीर्वाद लेना होता है साधु संत महात्माओं से। और इस मंदिर को बारे में आपको पहले बता चुका हूँ, पिछले साल काम चल रहा था इसका, इस साल ये चालू हो चुका है। यहाँ पे मैं भी मैंने दर्शन करी है। और इसका जो शिवलिंग है वो भी केदार बाबा की शिवलिंग की तरह है, जैसे केदार बाबा का शिवलिंग है प्रॉपर सेम वैसी उसका, इसका भी जो शिवलिंग का पत्थर है सेम वैसी है। और ये जो दर्शन करके आ रहे हैं ये इधर से आते हैं, ये देख सकते हैं आप। और जो वीआईपी लाइन है वो वहां से लगी है अंदर को, और ये दर्शन करके आ रहे हैं लोग। देखो फोन वहां पे अलाउ नहीं है, देखो खींच लिया फोन। फोन फोटो अलाउ नहीं है भाई अंदर, फिर भी लोग खींच रहे हैं तो उसका फोन खींच देते हैं वो। और नाम हो गया नारा बाबा। पहले मैं आपको मंदिर की परिक्रमा करवा देता हूँ, उसके बाद आपको लेके चलते हैं ऊपर भीमशिला। भाई मेरी जो ब्लॉगिंग है और मेरी जो वीडियो है वो थोड़ा डिफरेंट हो सकती है आप लोगों के लिए, क्योंकि मैं जो खुद करता हूँ मैं वही दिखाता हूँ। मैं ऐसा नहीं हूँ कि मतलब पहले सोचूंगा उसके बाद करूंगा, मेरा थोड़ा इसलिए मैं परिक्रमा कर रहा हूँ अभी। तो मैं चाहता हूँ कि आप लोग भी मंदिर के साथ साथ परिक्रमा कर लें। देख सकते हैं इधर पे सारे संत साधु संत महात्मा बैठे हैं। इधर पे थोड़ा खाली रहता है क्योंकि इधर पे थोड़ा मंदिर का ऐसा वाला आउटसाइड एरिया पड़ जाता है, और यहाँ से आगे वैसे भी पुलिस वाले जाने नहीं देते। ये वाला जो गेट है मंदिर का ये भी बंद ही रहता है। ये लगी हुई दर्शन करने की लाइनें देख सकते हैं, ये लाइन आती है इधर से, ये देखो यहाँ से राउंड राउंड घूमती है, एक बार इधर एक बार उधर, एक बार इधर एक बार उधर एक बार इधर। और ये देख सकते हैं यहाँ पे जो बना हुआ रास्ता, यहाँ से सेल्टर वाला रास्ता नया मार्ग इधर से होके आ रही है, और उसके बाद ये यहाँ से फिर सीधा मंदिर में। और ऊपर जो ये आप देख रहे हैं मेरु सुमेरु पर्वत नाम है इसका, ये हिमालय जो आप देख रहे हैं, यहाँ पे कल भी यहाँ पे स्नोफॉल हुई थी। जैसे कि मैंने आपको बोला था कि 10, 11 और 12, 13 से मतलब 13 को जो उत्तराखंड का वेदर फोरकास्ट है उसकी जो अपडेट थी उसका यही था कि यहाँ पे जो पीक है उत्तराखंड में प्लेसेस, वहाँ पे स्नोफॉल हो सकती है और बारिश भी होगी। तो देखा होगा आपने कल, अगर मेरा पिछला ब्लॉग देखा होगा, केदारनाथ में बारिश हुई थी यहाँ पे नीचे, और ऊपर हर जगह स्नोफॉल हुई है। देखो स्नो गिरी हुई अभी भी पता लग रहा है, देख सकते हैं आप नीचे। यहाँ से भर रहे हैं जल जो लेके जाते हैं लोग घर पे अपने, यहाँ पे तो भीड़ लगी है काफी अभी। और अगर आप भी आते हो तो आप भी यहाँ से लेके जा सकते हैं ये वाला जल केदारनाथ का। और उधर भी लगा हुआ, वो भी गौमुख से निकल रहा वहाँ पे, और वो पानी कौन सा वाला, सरस्वती नदी वाला या मंदाकिनी नदी वाला, ये देख सकते हैं आप। अमृत कुंड है बेटा, अमृत कुंड। अच्छा अमृत कुंड, चैनल है तेरा? हाँ जी चैनल है। हैं जी बाबा जी, बिल्कुल करेंगे, रुक जाओ थोड़ी देर में। अब चलते हैं भीमशिला की तरफ, वहाँ पे दर्शन करते हैं। जो ये रूट जा रहा है ये ऊपर ही है भीमशिला, ये मंदिर है यहाँ पे, ये देख सकते हैं आप।
भैया ये देख सकते हैं भीमशिला अभी पूरे फूलों से सजाई हुई है ये देखो, और इसके चारों तरफ साधु संत महात्मा बैठे होते हैं। हर हर महादेव, हर हर महादेव। कौन सा ब्लॉग है? पूछे यहाँ पे क्या है कि स्पेस ज्यादा है तो इधर पे ज्यादातर लोग फोटोग्राफी करते हैं। ये देखो पूरा एक ग्राउंड भरा हुआ है, यहाँ पे कैंपिंग भी करी हुई है अभी, टेंट लगाए हुए। और ये देखो सारा, ज्यादातर लोग, धूप भी अच्छी लगती है यहाँ पे तो ज्यादातर लोग फोटोग्राफी करते हैं। और ये है नीचे भीमशिला, ये देखो। बाकी इस बार भी यहाँ पे अनाउंसमेंट हुई थी और इन्होंने कल हटाए थे अपने टेंट, बट ये कल शाम को देर रात को जो आए होंगे उन्होंने लगवा दिए, जिनको पता नहीं होगा। बाकी हमने जो टेंट है अनाउंसमेंट से पहले ही हमें पता था कि यहाँ पे नहीं लगाने देंगे, हमारे उधर लगे हैं, देख सकते हैं इधर, जहाँ से वो व्यू पॉइंट टाइप का बना हुआ देखने के लिए मंदाकिनी नदी का, वहाँ पे उससे इधर लगाया हुआ हमने। और इधर पे सारा ये एक हिसाब से टेंट जोन हो चुका है, और इधर पे ज्यादातर यूट्यूबर्स ही हैं और जिनके पर्सनल टेंट है। बाकी ऊपर ये शंकराचार्य जी की समाधि पे जा रहे हैं लोग, यहाँ से सिर्फ 50 मीटर है मंदिर से, ये मंदिर है और ये है शंकराचार्य जी की समाधि ऊपर। बाकी मौसम देखो कितना बढ़िया खुल गया आज, अब शाम तक शायद मुझे लगता है यहाँ पे गड़बड़ भी हो सकता है इसके मौसम, इस मौसम का कोई भरोसा नहीं है, क्योंकि इधर पे क्या है कि 12 एक बजे तक डेली खुला रहता मौसम, और 2 बजे के बाद फिर क्या है कि मतलब बारिश होनी कन्फर्म ही है, 1-2 बजे मौसम बनना स्टार्ट हो जाता है, 2 बजे तक पूरी बारिश हो जाती है। और ये देखो अभी पूरा क्लाउड्स कितने आ गए, देख रहे हो आप कितना कोहरा हो गया चारों तरफ, पर ये देखो ये बादल कितने तेज दौड़ रहे हैं, देखो और नीचे तो कुछ दिख ही नहीं रहा केदारनाथ मंदिर के आगे वाला जो व्यू है पूरा व्हाइट हो गया। और वैसे मौसम खुल चुका है ऊपर, ऊपर कितने बढ़िया दर्शन हो रहे हैं मेरु सुमेरु पर्वत के, जो ये हिमालय पर्वत है, ये है यहाँ का व्यू पॉइंट। अभी आ चुका हूँ मैं श्री गुरु आदि शंकराचार्य जी की समाधि स्थल पे, जो कि केदारनाथ मंदिर से ओनली 50 मीटर की दूरी पे है। ये हिंदू धर्म शास्त्रों के अनुसार सबसे बड़े गुरु हुए जिन्होंने एक भारत श्रेष्ठ भारत बनाने में सबसे बड़ी अपनी भूमिका निभाई और 4 मठों की स्थापना करी, जो कि भारत के 4 कोनों पे स्थित है, उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम। और यहाँ पे इनकी समाधि बनी हुई है, देख सकते हैं। देखो ये है श्री गुरु आदि शंकराचार्य जी का समाधि स्थल। केदारनाथ मंदिर से जो ये मार्ग जा रहा है यहाँ से, ये जाता है भैरव मंदिर मार्ग, जो कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, इधर से जाते हैं भैरव मंदिर के लिए, यहाँ से ओनली 800 मीटर है। और यहाँ पे जो स्ट्राइक से रिलेटेड अपडेट है आज की 11 मई की, तो यहाँ पे कोई स्ट्राइक नहीं है, सिर्फ एक दिन की स्ट्राइक थी यहाँ पे, एक दिन बाजार बंद था, एक दिन की हड़ताल थी। आज देखो मंदिर के सामने वाली सारी दुकानें खुली है, अभी यहाँ पे छोटी छोटी जो रेडी होती है जिसपे पूजा का सामान मिलता है वो भी मिल रहा है, कल तक ये सारी दुकानें बंद थी, कोई भी यहाँ पे पूजा का सामान भी नहीं मिल रहा था, तो सिर्फ स्ट्राइक जो थी वो एक दिन की थी, और एक दिन पूरा भी नहीं, रात को मतलब 7-8 बजे इन्होंने स्ट्राइक खोल दी थी। हमने भी खाना भारी खाया था, क्योंकि भंडारे में खाना तो था बट भीड़ बहुत ज्यादा थी कल वहाँ पे, इस वजह से हमने भारी खाया। बाकी ये व्यू देख रहे हैं आप, आज सारी दुकानें
खुल चुकी है। ये तो सिर्फ मंदिर के अराउंड की दुकान है, बट जो नीचे भी लगी है दुकान यहाँ पे, जो पूरी मार्केट है मंदिर के आगे, जिधर पे पहले दर्शन करने का मार्ग था, वो भी पूरा खुला है। और ये देख रहे हैं आप मंदिर के बाहर का व्यू। ये देख सकते हैं आज मौसम अभी खुला हुआ है, बट 10 बजे के बाद बारिश बता रहा है। अभी हमने वेदर अपडेट चेक करी यहाँ की। ये देखो, ये है इसका मेन गेट जो पूरा सजा हुआ है मंदिर का। और इधर पूरा क्राउड है, देख सकते हैं पहले कैसे हो चुका था। इधर पूरा उबड़ खाबड़, ऊपर से साफ किया हुआ बट नीचे से फिर भी ऐसी है उबड़ खाबड़। बट ये है कि फिर भी लोग जा रहे हैं, क्राउड है ज्यादा, इतना प्रशासन कंट्रोल नहीं कर सकता, करने की कोशिश पूरी कर रहा। वैसे यात्रा लाइन इधर से है, जो दर्शन करने की लाइन है वो इधर से। और मार्केट आज सारी खुली है, कोई स्ट्राइक नहीं है, सिर्फ एक दिन की स्ट्राइक थी। देख सकते हैं मौसम दोबारा से बिगड़ने लग गया है भाई, अभी से ही, अभी 9 ही बज रहे हैं और ये देखो पूरे बादल ही बादल आ चुके हैं हर तरफ। कहीं भी बर्फ की पहाड़ियां या पूरी जो ऊंची ऊंची पहाड़ियां हैं, सिर्फ यहाँ वाली दिख रही है, आगे वाली, सामने वाली, ये वाली, और कोई भी नहीं दिख रही। पूरा अभी बादलों ने घेर लिया। कपाट खुल चुके हैं और इधर पे देख सकते हैं आप, इधर पे काम चल ही रहा अभी कंस्ट्रक्शन का जगह जगह, ये देख सकते हैं। और यात्रा जो है चल ही रही है अपनी, ये देखो वहां तक रास्ता पूरा क्लीन है, ऊपर तक जहाँ पे सरिया वाला है उससे ऊपर तक पूरा क्लियर है। बट इधर पे क्या है कि काम चल रहा है, तो इधर पे ये रास्ता बिल्कुल, कहीं पानी चल रहा है और कहीं पे ऐसे गड्ढे गड्ढे बना रखे हैं, और कहीं पे इतने बड़े बड़े पत्थर है, कहीं पे सरिया वगैरह, ये देख सकते हैं। तो इधर पे पूरा उबड़ खाबड़ हो चुका है, ये देख सकते हैं। और यहीं से ही थोड़ा सा नज़दीक में ही है ओम, यहाँ पे सिर्फ लोग इसलिए आ रहे हैं क्योंकि जो ओम पे फोटोग्राफी जो करते हैं, फोटो शूट करते हैं, वहाँ से अच्छा व्यू पॉइंट दिखता है। और इधर से रास्ता भी है, और वहाँ से भी उन्होंने सीढ़ियाँ बना रखी, तो रास्ता रेडी हो चुका है। बाकी यहाँ से जो मंदिर से ज़्यादातर दर्शन करके आ रहे हैं वो आ रहे हैं नीचे को, बाकी दर्शन करने के लिए जो जाते हैं वो वहीं से दर्शन करने की लाइन लगती है सीधा, जो पुल आ रहा है उधर से सीधा नीचे नीचे जाके, और उसके बाद फिर मंदाकिनी नदी के तट से होके उसके बाद सीधे मंदिर के पास पहुँचते हैं। अभी आ चुका हूँ मैं ओम पे, और यहाँ पे ये एक हिसाब से फोटो पॉइंट बन चुका है। ज्यादातर लोग जो दर्शन करने के बाद या पहले
यहाँ पे फोटो खींच रहे हैं, और ये जा रहा है हेलीकॉप्टर अभी, ये अभी आया था। और यहाँ से जो नीचे है ये देख सकते हैं, ये है लगी हुई दर्शन करने वालों की लाइन, देखो कितनी लंबी लाइन है। हम जब लगे थे सुबह मॉर्निंग में, तो हम जो ये शेल्टर है लगे हैं यहाँ से तीन चार शेल्टर के ऊपर से लगे थे हम, तब जाके हमारा नंबर आया 3-4 घंटे में, और इन लोगों का नंबर तो मुझे लगता है 6-7 घंटे में आएगा। देखो अभी जो लाइन है वो सामने जो मार्केट है वहाँ से आगे को लगी है, मतलब पुल के पीछे पीछे एक मंदिर है वहाँ पे, यानी ये जो ताल टाइप का वहाँ पे, वहाँ से लगी हुई है ये लाइन है। और ये देखो पूरा, ये देख सकते हैं व्यू आप यहाँ का। अभी मौसम थोड़ा सा साफ होने लग गया है, थोड़ी देर बन रहा है, ऊपर अभी बादल आ गए थे पूरे, और इधर पे काम चल ही रहा है अभी। ये देखो देख सकते हैं काम भी यहाँ पे रेगुलर चल ही रहा है, कंस्ट्रक्शन का, गवर्नमेंट का जो काम चल रहा है यहाँ पे अभी, गेस्ट हाउसेस और ये होटल्स जो बना रहे हैं। तो मेरे दर्शन हो चुके हैं अभी कंप्लीट, और अभी हो रहे हैं 9:30, धूप अच्छी खासी खिली हुई है, और यहाँ से आप देख सकते हैं मंदिर में कितनी ज्यादा भीड़ है आज। ये देखो पूरा मंदिर सटासट भरा हुआ पब्लिक से, ये देखो चारों तरफ से भीड़ है, देखो भीमशिला में और ऊपर तक जहाँ पे आदि शंकराचार्य जी की समाधि है वहां तक। और ये जो जा रहा है रूट है, ये यहाँ पे निवास प्रधान पुजारी का जो स्थान है यहाँ पे वो रहते हैं, लिखा हुआ भी वहाँ पे सामने, और इधर पे ये आर्मी के कैंट है, और इधर ही साइड अगर जैसे आप आते हो तो भंडारा वगैरह जो लगा रहता है प्रसाद के रूप में आपने लेना है, तो इधर ही लगा रहता है वो आगे। और एक चीज मैंने आपको और क्लियर करनी थी, वो भी मैं आपको बता देता हूँ, कि कई साथी जो पूछ रहे थे मेरे से कि जैसे VIP दर्शन का हो रहे अभी या नहीं हो रहे, एक्चुअली मैंने इससे पहले आपको वीडियो में बताया था कि VIP दर्शन नहीं हो रहे यहाँ पे, तो वो VIP नहीं थे बल्कि VVIP दर्शन थे। VVIP दर्शन 15 दिनों के लिए यहाँ पे बंद किए हुए थे, यानी 10 तारीख को खुले थे, 25 तारीख तक वो बंद है, 25 मई तक। और अभी यहाँ पे VIP जो दर्शन है वो हो रहे हैं, और उसका जो प्राइस होता है VIP दर्शन का 2100 रुपये पड़ता है। पर्ची कटती है यहाँ पे, ये बना हुआ मंदिर के बिल्कुल, ये मंदिर है और मंदिर के पास में ही बना हुआ, इधर जो भैरव मंदिर के लिए जो मुख्य मार्ग है उसका, ये यहीं पे ही उसी के पास में बना हुआ। बाकी जो ये लाइन लगी है VIP की भी लाइन लगती है, कई लोग होते हैं क्योंकि ये लगी है VIP की लाइन, और ओनली 2100 रुपये देना होता है, और उसके बाद आप VIP दर्शन करने कर सकते हैं। नहीं तो फिर आपको भी हमारी तरह अगर नॉर्मल दर्शन करने हैं तो आपको फिर 6-7 घंटे लग जाएंगे लाइन पे लगते लगते, बट असली तपस्या वही है जो मैं मानता हूँ, बाकी अपना अपना सोचना है। लोगों की फ्लाइट्स और ट्रेन और गाड़ियाँ बुक होती है ऑलरेडी, बहुत सारी चीज़ें होती है, तो इसलिए भी करना पड़ता है, तो वो भी मजबूरी होती है लोगों की, तो ऐसा नहीं है कि हर एक बंदा मतलब इसलिए करता है VIP दर्शन की उसके पास पैसे, कई लोगों की आस्था भी होती है इसलिए करते हैं, पैसे होने के बावजूद भी वो नॉर्मल लाइन पे लगते हैं 6.5-7-8 घंटे जितना भी टाइम लगता है, वो एक हिसाब से उसको तप मानते हैं और उसके बाद भगवान के पास पहुँचते हैं। वैसे 2100 रुपये इतना बड़ी बात नहीं है, नॉर्मली है, हर एक बंदा अफोर्ड कर सकता है, वो गरीब से गरीब हो, अमीर से अमीर हो, बट ज़्यादातर लोग नहीं करते हैं VIP दर्शन कुछ ही लोग करते हैं, और ज़्यादातर लोग नॉर्मल ही दर्शन करते हैं, और मेरे हिसाब से जो मैं मानता हूँ, मैं तो वही मानता हूँ सही, वही अच्छा है, उसमें एक्सपीरियंस होता है, अलग अलग लोग मिलते हैं आपको लंबी लाइन में। आप सभी को एक जानकारी और देनी है, आप सभी से मेरी ये रिक्वेस्ट है कि अगर आप यहाँ पे आते हो केदारनाथ जैसे पवित्र धाम में, तो यहाँ पे बीड़ी सिगरेट गुटखा मदिरा पान ये सारी चीज़ें ना लेके आएँ, नशे वाली चीज़ें ना लेके आएँ, और ना नशे से भगवान शंकर को जोड़ें आप लोग, क्योंकि अगर आप इस तरीके से करोगे तो ये हमारा जो पवित्र धाम है गंदा होगा, और भगवान शंकर के लिए जो बोलते हैं कि वो सुल्पा पीते थे, भांग पीते थे, तो उन्होंने भाई जहर भी पिया था, तो आप पी के देख लो एक बारी, भगवान की बराबरी ना करें। अभी यहाँ पे यही चीज़ हुआ था, जो ये साधु महात्मा बैठे हैं यहाँ पे, जो इस एरिया की जो IPS है मैम, उनका मेरे को नाम नहीं पता, वो आई थी यहाँ पे अभी, और उन्होंने इनको उठाया,
इनके जो साधु महात्मा हैं इनके डंडे भी पड़े तीन तीन चार चार, और इनसे उन्होंने सुलपा था इनके पास भांग वगैरह थी, और उन्होंने लेके फिर इनको अब निकलवा रहे हैं यहाँ से। ये देखो, और अभी वो मैम इधर ही सभी की चेकिंग कर रहे हैं वो लोग। ये देखो हर जगह चेकिंग कर रहे हैं, देख सकते हैं। तो ये सारी चीजें ना लेके आए अगर आप आ रहे हो इतने पवित्र धाम में, नहीं तो आपको भी अगर पकड़े गए तो बाबा लोग तो उनके तो चलो फिर भी वो छोड़ रहे हैं उनको, भगा रहे हैं उनको, निकाल रहे हैं यहाँ से, बट आप लोगों की तो जमानत भी नहीं होगी, मैं बता रहा हूँ आपको। तो ये जरूरी इन्फॉर्मेशन थी, तो इसलिए मुझे लगा कि आपको भी शेयर कर दूँ। बाकी आप इसको लाइट ले लो तो लाइट ले लो, और अगर इसको अच्छे तरीके से लेना है तो आपकी मर्जी। तो अभी आया था थोड़ी देर अपने टेंट में आराम किया, और अब जा रहा हूँ खाना खाने। तो यहाँ पे जैसे जा रहा था खाना खाने, यहाँ पे मेरे को एक भाई मिले, ये बना रहे हैं कुछ रेसिपी आलू डाल के, मैगी डाल के। कहाँ से हो भाई, पहले तो बता दो अपना। एमपी से भाई, हरी भाई इंदौरी। अच्छा, तो ये बना रहे हैं यहाँ पे अपना पर्सनल, इनका गैस वगैरह लेके आ रहे हैं, ब्यूटेन गैस भी और छोटा सिलेंडर भी, और खुद ही बना रहे हैं। यहाँ पे इतने भंडारे चल रहे, तो आप मतलब ऐसे क्यों भंडारे में क्यों नहीं खा रहे हो? भंडारे में देखो अभी मेरे पास खाने का है। अच्छा, खाने का है, फिर अपना बचा के दूसरे का खाऊं। बिल्कुल, अच्छा नहीं लगता है, अपना दूसरा खा लो, अपना खा लो, यही से ही गुजरा। अच्छा, पहले अपना खा लो, और अपना खत्म हो जाए तो भंडारा खा लो। हमने तो अपना खा लिया, हम यहाँ से तीन मई से, तो अब हम भंडारा खा रहे हैं। चलो सही है। ये क्या बना रहे हो आप फिर अभी? ये मैगी बना रहा हूँ आलू के साथ। हाँ, और ये कॉफी बनाता हूँ, ब्लैक कॉफी पीता हूँ। बना ली ब्लैक कॉफी? हाँ, ब्लैक कॉफी। अच्छा, अरे वाह, बढ़िया बढ़िया। तो फिर कैसे, कितने लोग हो? सोलो ट्रेवल। हर साल आता हूँ, 5-6 दिन यही स्टे करता हूँ। अच्छा, मजे से 5-6 दिन गुजारते। अच्छा, ओनली सिर्फ 30 मीटर की दूरी पे आपका टेंट है, यही है आपका टेंट? ये वाला बिल्कुल। अच्छा, ये पूरा पूरा 5 स्टार बना हुआ है मेरा। 5 स्टार? हाँ, देखो ना अंदर से वगैरह, ये वो सब ले आता हूँ मैं। अरे वाह यार, वाह, क्या व्यवस्था है यार, आपको क्या ठंड लगेगी महाराज, ये देखो वाह। बहुत बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। स्लीपिंग बैग भी है, ब्लैंकेट भी, बहुत बढ़िया। मतलब आप कितने सालों से आ रहे हो? मैं 2-2.5 साल से ट्रेवल कर। अच्छा, एमपी से हो आप? पूरा भारत ट्रेवल कर रहे हो? जहाँ जहाँ मर्जी तब जाएगा। अच्छा, तो फैमिली? फैमिली के साथ अभी जाऊंगा अमरनाथ, हर साल फैमिली के साथ भी 3-4 राउंड लगाता हूँ। अच्छा, फैमिली के साथ भी जाते हो? ऐसा नहीं है कि मतलब साधु सुधुर तो नहीं? नहीं। अच्छा, चलो आदमी हो। अरे बहुत बढ़िया। कश्मीर जाऊंगा तो सिर्फ वहाँ चिकन खाऊंगा सिर्फ। अच्छा, कश्मीर जाऊंगा सिर्फ चिकन खाऊंगा और कुछ भी? अच्छा, चलो फिर। चिकन बनता है सब कुछ? हाँ, वहाँ बनता चिकन, सही बात। राज एमपी से हो आप? है एमपी से। और आप कहाँ से भाई? मैं आष्टा एमपी। अच्छा, आप भी? अच्छा, दोनों सेम जगह से? थोड़े बगल में। और आप भाई? मैं भाई यूपी से हूँ, फतेहपुर से। और आप ब्रदर? तो जानते हैं शायद। हाँ, ये मेरे भाई के, ये मेरे ब्लॉग में आ चुका है एक बार, त्रियुगी नारायण में मिला था भाई मेरे को, देहरादून से ही है। तो देखो, अलग अलग बंदे, जब आप ट्रैवल करते हो तो आपको ऐसा एक्सपीरियंस होता है, अलग अलग बंदे मिलते हैं, एमपी, उत्तराखंड, यूपी, एमपी, और कई लोग यहाँ पे इतने अलग अलग जगह से आए। तो आप भी निकलो घर से, ट्रैवल करो, धार्मिक स्थलों पे करो, और अलग अलग जगह। हो गया रेडी? वाह, होगा अभी। अरे वाह वाह, बढ़िया बढ़िया। चलो बनाओ सर। अभी 10 बज चुके हैं, और यहाँ पे आप देख सकते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मौसम यहाँ का जो 10 से 13 तक है वो खराब बता रखा है। और ये देखो, बारिश लगना स्टार्ट हो चुकी है, बूंदे हैं बारिश की, और पूरा चारों तरफ आप देख सकते हैं, ये देखो बादल आ चुके हैं। अभी तक पूरी कड़ी धूप लगी हुई थी, 1-1.5 घंटा धूप लगी पूरी, और अभी पूरा बारिश वाला पूरा माहौल हो चुका है। ये देखो, छोटी छोटी बूंदे बारिश की लग भी रही है, और ये देखो पब्लिक अभी दर्शन कर ही रही है। अभी हूँ मैं केदारनाथ में, और यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे हो रही है अभी ओलावृष्टि। अभी मैं श्री ललित महाराज जी के आश्रम में हूँ, और जैसे कि मैं आपको पहले बता चुका था कि 10, 11, 12, 13 को जो उत्तराखंड का वेदर फोरकास्ट है उसकी जो रिपोर्ट थी वो यही थी कि 10, 11, 12, 13 को यहाँ पे बर्फबारी भी हो सकती है, और बर्फबारी भी हो रही है, बर्फबारी हो रही है ऊपर। यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पे अभी ओलावृष्टि हो रही है, देख सकते हैं आप नीचे, देखो आवाज भी आ रही है, होगी बहुत तेज आवाज आ रही है, ये देखो।
बहुत तेज ओलावृष्टि हो रही है। ये मौसम आप देख सकते हैं यहाँ का केदारनाथ का 11 मई 2024 का मौसम है। ये देख सकते हैं आप, बहुत ज्यादा ओलावृष्टि हो रही है भाई। अभी बर्फ भी पड़ सकती है, बादल देखो। देख सकते हैं आप यहाँ पे ये पड़ रहे हैं भाई ओले केदारनाथ में 11 मई 2024 को, ये देख सकते हैं। और ये देखो मंदाकिनी नदी अभी कितनी तेज आ गई है, यहाँ से तो ये संगम बन रहा है अभी। इसमें तीनों मिल जाती है, दूध गंगा, सरस्वती, मंदाकिनी। और केदारनाथ मंदिर के पास देखो कैसे बादल छा रहे हैं, बिल्कुल बहुत ज्यादा मौसम खराब हो रहा है। और अभी ये मौसम 12 बजे ही खराब हो चुका है। और जो मैंने छाता लाया हुआ दोस्तों, ये छाता भी उड़ने को लग रहा है भाई, छाता उड़ रहा है बिल्कुल। बहुत ज्यादा हवा के साथ साथ बहुत ज्यादा मौसम खराब हो रहा है, बहुत ज्यादा यहाँ पे लग रही है, कौन को बचाना पड़ेगा, बहुत ज्यादा लग रही है यहाँ पे अभी ओलावृष्टि। ये देखो और मजा भी आ रहा है साथ में, काफी टाइम बाद देख रहा हूँ मैं ओलावृष्टि। बर्फ तो देखी थी अभी अभी, बारिश तो डेली देख रहे हैं। रात के बज चुके हैं अभी 10 और अभी आ चुका हूँ अपने टेंट के अंदर। यहाँ पे जो ठंडा है बहुत ज़्यादा है, टेम्परेचर अभी 2 होगा। और यहाँ पे क्या है कि दिन भर आज बारिश लगी है, सो इसलिए टेम्परेचर बहुत ज़्यादा डाउन है, ठंडी बहुत ज़्यादा है बाहर। तो खाना पीना खा के अभी आ चुके हैं अपने टेंट के अंदर। मेरे साथ एक मेरा दोस्त है आज, वो सो रखा है बगल में और दोनों सोते हैं। बाकी जो ये ब्लॉग है इसको यहीं एंड कर रहा हूँ। सो होप करता हूँ कि आपको पसंद आया होगा, तो लाइक ज़रूर कर देना वीडियो को, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन ज़रूर प्रेस कर देना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में इसी डेस्टिनेशन पे केदारनाथ में, तब तक के लिए बाय, हर हर महादेव।